ओम शांति। आज की शिक्षा प्रद कहानी का शीर्षक है साथ क्या जाएगा। कहते हैं एक फकीर के पास एक सम्राट आया, बातचीत करने लगा। उसके बातचीत में बहुत अभिमान झलक रहा था, तो फकीर उसके अभिमान को पहचान गया। फकीर ने उनसे बातचीत करने के बाद उसके हाथ में 8-10 कंकड़ पकड़ाए और कहा, देखो तुम्हारी मृत्यु के बाद तुम जिस लोक में जाएगा ना, वहां मैं तुमको मिलूंगा और ये कंकड़ मुझे तुम वहां जरूर देना। जब वो सम्राट ने ये बात सुनी तो हैरान हो गया और हंसकर के फकीर को कहने लगा, आप क्या बोलते हो, क्या मृत्यु के बाद कभी कोई कुछ लेके जा सकता है? तो फकीर ने ये सुनकर के कहा, अच्छा तुम सच कहते हो? तो सम्राट ने कहा, मैं बिल्कुल सच कहता हूँ, ये तो सारी दुनिया जानती है कि मृत्यु के बाद हमारे साथ कुछ भी नहीं चलेगा। तो फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे तो लगा किसी के साथ कुछ जाए न जाए तुम्हारे साथ तो जरूर चलेगा, क्योंकि तुम इतना प्रजा का शोषण करके इतने वैभव इकट्ठे कर रहे हो। अगर ये तुम्हारे साथ नहीं जाएगा तो फिर तुम ये मूर्खता क्यों कर रहे हो, क्यों समय वेस्ट कर रहे हो? जब सम्राट ने ये बात सुनी तो उसे फील हुआ, महसूस हुआ कि सही बात है, मेरे साथ तो कुछ भी नहीं चलेगा, ये धन दौलत सब मेरी यहाँ नष्ट हो जाएगी, मेरे साथ तो पाप और पुण्य की पूंजी चलेगी। और वहां पर उसने अभिमान को छोड़ने का संकल्प किया। कहते हैं ना, खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाना है। ये शरीर में जो जिस्मानी हाथ है वो तो अवश्य हम खाली जाएंगे, परंतु हम याद रखें आत्मा के जो हाथ हैं उनकी मुट्ठियां हम भर करके जाते हैं। पुण्य कर्म भी भर सकते हैं, पाप कर्म भी भर सकते हैं। तो परमपिता परमात्मा कहते हैं कि बच्चे सत्य कर्म की पूंजी जमा करो जो आपके साथ चलेगी और भविष्य में भी वो आपके साथ रहेगी और आपको सदा सुख का अनुभव कराएगी। ओम शांति।